Hey students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start a new chapter, separation of substances. Okay? So first we should know about some basic things. कुछ basic चीजों के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद हम separation के बारे में जानेंगे. Okay? सबसे पहले दो चीज जानो. एक है pure substance, दूसरा है impure substance. Okay? Pure substance क्या है? प्योर सब्सटेंस का जो क्वालिटी है ना, वो मेंटेन होके रहता है, यानी वो एक ही चीज है. प्योर सब्सटेंस का मतलब वो सिर्फ एक ही चीज से बना है. क्लियर? लाइक वाटर. वाटर खाली वाटर ही है, उसमें और कुछ भी नहीं है. क्लियर? ओके. लेकिन शुगर, शुगर शुगर खाली शुगर से ही है, उसमें और कुछ नहीं है. ये प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? जिसमें मोर देन वन सब्सटेंस है. लाइक मैं क्या किया, शुगर और सॉल्ट को मिला दिया. क्लियर? अब ये प्योर है क्या? नहीं. इसमें मोर देन वन सब्सटेंस है, ये प्योर नहीं है. जिसमें मोर देन वन सब्सटेंस होता है वो प्योर नहीं कहलाता, उसे हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस. और उसका क्वालिटी जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, कि पता नहीं चीनी कम होगा, नमक ज्यादा हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटीज है. सो डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल और वन काइंड ऑफ मैटर इन इट, उसमें सिर्फ एक तरह का चीज होगा. इम्प्योर में क्या होगा, इट कंटेन्स मोर देन वन, दो तीन चार पांच. अगर तुम पानी में शुगर, सॉल्ट, स्क्वाश, जलजीरा मिला दी, ये तो चार या पांच तरह का चीज मिल गया इसमें पूरा, तो ये तो इम्प्योर हो गया. और इम्प्योर चीजों को हम बोलते हैं मिक्सचर. ओके, क्या बोलते हैं? मिक्सचर. समझ में आया? ओके. एक और पॉइंट भी है इसमें, कि प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम है. तो पहले जानो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर. क्लियर? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है टेम्परेचर. मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स. मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे एक सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है, मेल्ट होना शुरू होता है. आयरन एक सॉलिड चीज है, वो मेल्ट होता है. कितने टेम्परेचर में मेल्ट होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होता है. इतना लंबा 1535 डिग्रीज, ये होने पे ही वो मेल्ट हो पाता है. क्लियर? समझ में आया? डन. बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्स. लिक्विड तो मेल्ट नहीं हो सकता, वो बॉयल तो हो सकता है. तो जिस टेम्परेचर में लिक्विड बॉयल होता है उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? इट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स. एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट्स द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉइल्स. तो इसका मैं नोट्स में जिक्र कर दिया हूँ, नोट्स दे दिया हूँ, तुम जब लिखोगे तो समझ आएगा. और अगर कहीं प्रॉब्लम रहा कुछ बातें फिर से समझा दूंगा. ओके, बस तुम जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है, दो से तीन बार वीडियो को, उसके बाद नोट्स पढ़ना है, तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा. तो प्योर सब्सटेंस जो है, सो पानी, पानी चाहे तुम मेरे घर से लो या तुम्हारे घर से लो या अमेरिका से लो या ऑस्ट्रेलिया से लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही होगा. शुगर मेरे घर से लो, तुम्हारे घर से लो, वेस्ट इंडीज से लो, अफ्रीका से लो, मेल्टिंग पॉइंट सेम ही होगा, है कि नहीं? आयरन जूनागढ़ से लो, भवानीपट्टनम से लो, किसिंगा से लो, बलांगीर से लो, कहीं से भी लो, प्योर आयरन मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट सेम ही होगा, चेंज नहीं होगा. लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा. जैसे कि मैं एक ग्लास पानी में एक चम्मच डाला, क्या सॉल्ट मिला दिया, और एक ग्लास में 10 चम्मच डाला, सॉल्ट मिला दिया, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट चेक करूंगा ना, ये जल्दी बॉइल करेगा, ये जल्दी बॉइल नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कम सॉल्ट है, इसमें ज्यादा सॉल्ट है. मिक्सचर में बात क्या है, कौन चीज किससे कितना में मिलता है वो कंफर्म नहीं है. समझ में आ रहा है कि नहीं? एक क्लास में सोचो मिक्सचर, लाइक एक क्लास में कितने बच्चे हैं, पता नहीं 8 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे. सर हमारे पास, मेरे क्लास 6 में 3-4 बच्चे हैं, 10th में 15 बच्चे हैं. तो कुछ फिक्स है क्या? नहीं है, फिक्स नहीं है. उसी तरह मिक्सचर में कुछ भी फिक्स नहीं होता. क्लियर?
ये टॉपिक्स जरा नोट जब मिलेगा तो रिवाइज करना, अगर डाउट रहेगा फिर से समझा दूंगा। ओके डन। नेक्स्ट चीज मिक्सचर कितने प्रकार का होता है, बहुत प्रकार का। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड सॉलिड मतलब सॉलिड सॉलिड से मिलेगा उसको मिक्सचर। सिंपल सी बात है, शुगर और सॉल्ट को मिला दो, दोनों सॉलिड है, मिल गए, मिक्सचर बन गया। तुमने मिक्सचर खाया है, जो खाने वाला मिक्सचर है उसमें दाल होता है, भुजिया होता है, गांठिया होता है, पता नहीं क्या क्या होता है उसमें, और तुम खाते जरूर हो, देखो सबके सब सॉलिड है और सब मिले हुए हैं, सब मिले, वो प्योर है क्या? नहीं, उसमें दाल है, हरा चना है, मूंगफली है, ये है वो है, बहुत सारा चीज को मिक्स कर दिया है, वो मिक्सचर है, वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर क्या है? शुगर और वाटर, सॉल्ट और वाटर, क्लियर? ये सॉलिड मिक्सचर है। सैंड और वाटर, सॉरी सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है। लिक्विड लिक्विड क्या? शरबत और वाटर, स्क्वाश और वाटर, लेमन का जूस और वाटर, ये तुम्हारा लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है। लिक्विड गैस मिक्सचर क्या है? ऑक्सीजन इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ना, वो एक मिक्सचर है, ऑक्सीजन इन वाटर, क्लियर? गैस गैस का मिक्सचर क्या है? एयर, एयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सब तो गैस है, मिलके एयर बनाए हैं, तो वो गैस गैस मिक्सचर हुआ। इन एग्जांपल्स को ध्यान से पढ़ना, ठीक है? ओके, अब मिक्सचर को मैं और दो तरीके से डिवाइड करूंगा, एक है होमोजेनियस मिक्सचर, एक है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमो का मतलब इक्वल और कंप्लीट, होमो का मतलब इक्वल और कंप्लीट, हेट्रो का मतलब अनइक्वल इनकम्प्लीट। दो एग्जांपल देता हूं, वाटर और शुगर मिलाओगे पूरा मिल जाएगा, दूसरा है वाटर और सैंड मिलाओगे नहीं मिलेगा, क्लियर? सो वाटर और शुगर जो है उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, बिकॉज हियर दे बोथ मिक्स कंप्लीटली एंड यूनिफॉर्मली, वो पूरी तरह से मिल जाते हैं और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह समान, हर जगह। तुम एक बड़े से कटोरे में आज पानी और चीनी को मिला के देखो, उसके राइट साइड से पियो उतना ही मीठा लगेगा, लेफ्ट साइड से पियो उतना ही मीठा लगेगा, अंदर से पियो, बाहर से पियो, जहां से भी पियो उतना ही मीठा लगेगा, मतलब हर जगह शुगर का अमाउंट सेम है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इक्वल, इसीलिए बोला मैं कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर है, इट इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर वेयर द सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स और बोथ द थिंग्स, बोथ द कंपोनेंट्स, दे मिक्स कंप्लीटली एंड यूनिफॉर्मली, कंप्लीटली यूनिफॉर्मली, क्लियर? लेकिन अगर तुम सैंड और वाटर को लोगे तो मिक्स ही नहीं होते, सारा सैंड नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रह जाएगा, ये मिक्स हुआ क्या? नहीं। क्या ये यूनिफॉर्म रहा क्या? नहीं रहा, दोनों का लेयर तो अलग हो गया, है कि नहीं? सो दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्लियर? समझ में आ गया होगा लगता है, होमोजेनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है। एग्जाम्पल याद रखो, बड़े आसानी से याद रहेगा, होमो का मतलब कंप्लीट और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल, हर जगह इक्वल, ओके? और थोड़ा हेट्रोजेनस का मतलब होता है सेपरेट, नॉन इनकम्प्लीट, नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? ओके, और एक चीज, मिक्सचर में तुम जो चीज मिलाते हो ना, या तो तुम उसको कॉम्पोनेंट बोलते हो या कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हो, लाइक वाटर और शुगर मिलाए तो ये बन गया शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। जो पूरा मिल जाएगा सोल्यूशन बोल देना, जो पूरा नहीं मिलेगा उसको सोल्यूशन मत बोलना, मिक्सचर बोलना, ओके? क्लियर? ओके, सो ये टॉपिक जरा सा अच्छे से ओवरलुक करना, ठीक है? अगर डाउट रहेगा तो बताना। नेक्स्ट आता है, व्हाई डू यू नीड टू सेपरेट थिंग्स, तुम्हें चीजों को सेपरेट करने की जरूरत क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं तुम्हें, चीजों को सिर्फ दो मोटिव लेके तुम सेपरेट करते हो, सबसे पहले तुम्हें प्योर सब्सटेंस चाहिए, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस को निकालना है, क्लियर? व्हेन यू आर सेपरेटिंग सब्सटेंस यू हैव टू थिंग्स, द फर्स्ट वन इज यू वांट टू गेट द प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट इज यूजफुल, यू वांट टू रिमूव द इम्प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट इज हार्मफुल। दो चीज करेंगे, प्योर चीज को बाहर निकालेंगे और इम्प्योर चीज को हटा देंगे। समझ में आ रहा है क्यों चीजों को सेपरेट करते हैं? क्लियर? टू गेट प्योर, टू रिमूव
इम्प्योर, क्लियर।